तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज अंग्रेज़ी तारीख है 27 अगस्त, दिन मंगल 2024 ईस्वी, चांद की तारीख है 21 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, हिजरी 1446 जारी है। मोहतरम नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई को लेकर फिर से एक मरतबा मुद्दा जो है गर्म हो गया है। नाज़रीन, पूर्व IPS ने बहुत बड़ी बात कह दी है और दिगर लोग भी मुफ्ती साहब के हक़ में इनकी रिहाई को लेकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और ट्विटर पे आवाज़ भी उठा रहे हैं। और रामगिरी के ख़िलाफ़ पूर्व IPS ने क्या कहा है नाज़रीन, यानी पूर्व IPS ने ये कह दिया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेकसूर जेल में हैं, उन्हें रिहा किया जाए और रामगिरी जैसा जो है गुस्ताख जो है हमारे नबी के शान में तौहीन की, उसके ऊपर इतना FIR हुआ, उसको जो है बंद किया जाए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आइए उनके ट्वीट को पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। नाज़रीन, उन्होंने लिखा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कई महीनों से जेल में हैं, जबकि उन्होंने किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचाई। वहीं महाराष्ट्र सहित कई राज्य में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले FIR के बाद भी खुलेआम रामगिरी घूम रहे हैं। क्या सबसे बड़े लोकतंत्र और एक सभ्य समाज में यही इंसाफ का पैमाना है? पूर्व IPS अब्दुल रहमान ने ये मुद्दा उठाया है नाज़रीन। और भी दिगर लोग मुफ्ती साहब की रिहाई को लेकर के बहुत ज़ोरों शोर से खूब जो है ट्विटर पे आवाज़ उठा रहे हैं नाज़रीन। जुनैद कुरैशी ने जो है ट्वीट किया है और उसके और लिखा है कि उठो मुसलमानों, आवाज़ उठाओ, हैशटैग रिलीज मुफ्ती सलमान अज़हरी, हैशटैग रिलीज मुफ्ती सलमान अज़हरी, हैशटैग अरेस्ट गंगागिरी महाराज। इसी तरीके से राशिद मलिक ने भी आवाज़ उठाया है। चांदनी बहन बराबर आवाज़ उठाती हैं, उन्होंने भी जो है लिखा है कि दिन रात शायरी गज़ल लिखने वाले एक दो लफ्ज़ लिख दिया करो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए भी, हैशटैग रिलीज सलमान अज़हरी। आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो मुफ्ती साहब के हक़ में लाइक कमेंट शेयर कीजिए और गुस्ताख़ रसूल जल्द से जल्द गिरफ़्तार हो। अस्सलामु अलैकुम।